आज आपकी खास मुलाकात करवाते हैं एक्टर वरुण सोबती से, जिन्होंने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से खास बात की है। वरुण सोबती जब हमारे प्लेटफॉर्म पर आए तो उन्होंने प्रोफेशनल बातों से लेकर पर्सनल बातें हमारे साथ शेयर की। उन्होंने बताया कि आखिर बॉलीवुड में किस बेसिस पर काम मिलता है, बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों के साथ दोस्ती पर भी बात की है। उन्होंने ये भी बताया है कि बॉलीवुड में कौन कौन से स्टार्स उनके फेवरेट हैं। आइए देखते हैं पूरी स्टोरी। वरुण, ये जो दिखावा होता है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में और ग्लैमर इंडस्ट्री में, कहते हैं इस दिखावे से हमें आगे का काम मिलता है, क्या ये मिथ है? नहीं, इट्स ट्रू, बहुत लोगों के लिए सच है, बहुत लोगों के लिए। बट आगे का काम जो जिसको लुक से मिलता है, और वो काम वाले दिन पे अगर स्टैंड अप नहीं हुआ, राइज अप टू द ओकेजन नहीं किया उस इंसान ने, उसको काम नहीं मिलेगा। पर हाँ, यस, लुकिंग गुड इज अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री, एंड आई एम श्योर बिकॉज ऑफ दैट पीपल ब्रेक इनटू द इंडस्ट्री। बट द ओनली पीपल दैट आर गोना सर्वाइव आर द वंस दैट हैव टैलेंट। क्या ये भी मैटर करता है लुकिंग गुड के अलावा भी कि आपने कौन सी गाड़ी से आप उतरे हैं, आपने आपके हाथ में क्या आईफोन का कौन सा ग्रेड है, और बाकी चीजें, मतलब आपका ऑरा कितना लैविश, कितना रिच और कितना कलरफुल है, ये कितना मैटर करता है काम मिलने में? मेरे ख्याल से तो करता ही होगा यार, लाइक क्योंकि मेरे जैसे तो बहुत ही कम लोग हैं, वो बहुत सब ज्यादातर दिखावे में ही बिलीव करते हैं। और सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं है, एक्चुअली दैट्स हाउ आवर कंट्री आल्सो फंक्शंस। आप देखो तो सोसाइटल स्टेटस लेवल्स, हर कोई ये सबका यूजुअली बेस्ड इसी पे होता है कि उसने ये लिया तो एक चीज ऊपर लेनी है, उसने ये पहना तो उससे एक चीज ऊपर पहननी है। तो सिर्फ इंडस्ट्री को ब्लेम नहीं कर सकते, इंडस्ट्री ऑब्वियसली अल्टीमेट पार्ट है ऑफ शो ऑफ का, ऑब्वियसली शोबिज वाला जैज, तो आई थिंक फर्क पड़ता होगा। लेकिन बिना बुरा के बोले कैसे बोलूं, बहुत अच्छी बात भी है, मतलब ये ज्यादा समझदारी वाली बात नहीं है अगर देख दूं के लोगों को अपना घर जलाना है। ये दोस्ती यारी कितनी काम के मामले में दोस्ती यारी कितना वर्क करती है? नहीं करती, अगर टैलेंट नहीं है तो दोस्त छोड़ो, बाप भी काम नहीं लेगा। क्या बात है, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में? अरे यार नहीं, मेरे बहुत दोस्त हैं यार, किसी एक को बेस्ट नहीं पूछ सकता मैं, ऑब्वियसली बाकी सबसे लड़ाई हो जाएगी। बट बहुत प्यारे दोस्त हैं मेरे, हालांकि वो उम्मीद कम थी मेरे को, लेकिन मेरे जैसे बहुत दोस्त हैं मेरे, जो हमारे फंडामेंटल्स आइडियल्स सब काफी मैच करते हैं। गुड थिंग इज कि हम लोग जब मिलते हैं तो क्या तैयार होना है, क्या करना है, ये सब बातें नहीं होती हैं, बात इंटेलेक्ट मैचअप करने की होती है कि चल इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग कुछ बात होगी भाई। और इन दैट सेंस इंडस्ट्री का माहौल भी एक्चुअली काफी जबरदस्त है इस टाइम पे, बिकॉज कॉन्टेंट बहुत ही चैलेंजिंग और अच्छा आ रहा है, बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं। 3M फ्रेंड कौन है, मतलब वो कहते हैं ना रात को 3 बजे उसको फोन कर लो, ऐसा अब तो नाम आप ले सकते हैं एक? नहीं, वही आपने सवाल चेंज कर दिया, खाली वर्ड उसके, सवाल आपका है सेम, बट मेरा 3M फ्रेंड तो कोई नहीं है भाई, क्योंकि मैं 3 बजे तक जागता ही नहीं। क्या स्मार्ट हो आप, है ना, स्मार्ट आंसर। तो अच्छा, लॉकडाउन में लोगों जब मतलब जो घर पे थे तो या तो उनके पार्टनर के साथ खूब झगड़े हुए, अनबन हुए, और प्यार भी बहुत हुआ, है ना, एक छत के नीचे थे, एक लंबा टाइम गुजारा और टाइम भी स्पेंड किया। आपको कितनी डांट पड़ती थी मिसेस से? नहीं, मेरे को डांट नॉर्मली पड़ती है, मेरे को लॉकडाउन का कोई एक्सक्लूसिव नहीं है, बट ये मैंने और मेरी वाइफ ने बात बहुत बारी करी है कि बहुत लोगों को लॉकडाउन भारी पड़ा होगा, एक्चुअली बहुत ज्यादा, यू नो, आई एम श्योर हुआ होगा, लेकिन मेरे को डांट पड़ने के लिए कोई लॉकडाउन नहीं चाहिए, मेरे को तो पड़ती पड़ती है। चलिए वरुण, बॉलीवुड में अगर कोई ऐसा हीरो है जिसको आप लुकअप टू करते हैं तो किसको करते हैं, किसकी एक्टिंग आपको और किसका पर्सोना आपको बहुत अच्छा लगता है? बहुत है यार, अब तो आजकल तो बहुत है, मतलब इतने रिमार्केबल कुछ वो है, मतलब जो मतलब मुझे पर्सनली बहुत ऐसा लगता है कि यार ये होता है, मतलब काम ऐसे करते हैं, बहुत सारे हैं, मनोज बाजपेयी हैं, पंकज त्रिपाठी तो डेफिनेटली है, जयदीप है, अब तो पता मैटर बहुत सही काम कर रहा है वो, के सर,
अर्शद फॉर दैट मैटर, अर्शद इज ऑल्सो फिनोमिनल एक्टर यार, बहुत सारे